पहले मुझे लगता था कि क्या ही कर लूंगा मैं एक जूम लेंस कैरी करके, मतलब इतना जो भारी लेंस रहता है मुझे वो कैरी करने बहुत बोर हो जाता था। मतलब मैं सोचता था जूम करके क्या ही होने वाला है, बट जब मैंने लास्ट वीक इसको यूज किया है 75-300 mm, मैं कोई भी जूम लेंस की बात कर रहा हूँ कि लाइक 75-300 mm ही नहीं, बट कोई भी टेलीफोटो लेंस आपके पास हो जो कि 250 mm है या फिर 400 mm, कोई भी जूम लेंस ले लो, जब आप ये टेलीफोटो लेंस यूज करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फोटो अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो, मैं जो है 18-55 mm यूज़ कर रहा था और मैंने 55 mm पे ये जो फोटो है वो शूट किया। सो 18-55 mm से बस मैं यही फ्रेम कैप्चर कर पा रहा था, बट जब मैंने 75-300 mm मेरे कैमरा पे लगाया तो वही सेम फ्रेम में मैं ये सब फोटोज कैप्चर कर पा रहा था जो कि मुझे 18-55 mm से दिख ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो जूम लेंस रहता है, जो टेलीफोटो लेंस रहता है, वो कोई भी लेंस ले लो आप, वो जो फोटो अपॉर्चुनिटीज रहती है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये एक और एक फ्रेम है जो कि मैंने मालशेज घाट पर कैप्चर किया था। आप देख सकते हो कि लाइक पहले कुछ भी नहीं दिख रहा है, यू नो लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइक नॉर्मल फ्रेम है पूरा, बट जैसे ही मैं जूम करता हूँ हम लोग वो जो ट्री है वहाँ पर उस फॉग में उसको कैप्चर कर पाते हैं। तो समझ सकते हो आप, एक अलग ही फ्रेम निकल के आ जाता है उस सीन में से। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई तू तो लेंस के फोटोग्राफी के हिसाब से बोल रहा है कि एवरी फोटोग्राफर शुड हैव अ जूम लेंस, बट ऐसा नहीं है। आप पोर्ट्रेट में भी ये लेंस को अच्छे से यूज कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट में भी जो बैकग्राउंड ब्लर है आप देख सकते हो कि लाइक बहुत ही ज्यादा मस्त मिलता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो। सही तरीके से मतलब क्योंकि जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा रहता है इस लेंस में, जो आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है वो पूरा जो है वो जूम की वजह से मिलता है। तो दैट इज व्हाई मेक श्योर कि जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका बैकग्राउंड है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिल सके। अगर आप यू नो डे टाइम में शूट कर रहे हो तो नाइट टाइम में थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जब आप 300 mm पर या फिर 250 mm पर शूट कर रहे हो तो आपको जो शटर स्पीड है वो हाई रखना पड़ती है और इसका जो अपर्चर है वो ज्यादा लो नहीं जाता है, कुछ 5.6 या फिर अगर आप 75-300 mm यूज कर रहे हो तो वो कुछ 6.3 तक जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा हो जाता है नाइट टाइम के लिए। और शटर स्पीड भी आपको एकदम हायर रखना पड़ती है क्योंकि जो शेक रहता है एकदम हाई फोकल लेंथ की वजह से वो बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसे कि मैं 300 mm पे शूट कर रहा हूँ तो मैं 1/600 mm यूज करता हूँ शटर स्पीड, ताकि वो जो शेक क्रिएट हो रहा है मेरे जूम करने की वजह से उसको मैं एलिमिनेट कर सकूँ मेरे फोटोग्राफ में से। तो दैट इज वाई यू नो लाइक एक डिसएडवांटेज है कि लाइक आप नाइट में ये जो लेंसेज है वो यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर लेना है तो आप ट्राइपॉड पे रख के उसे यूज कर सकते हो। एंड गाइस द लास्ट थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस लेंस के बारे में वो ये है कि जो डिस्टॉर्शन मिलता है आपको बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। डिस्टॉर्शन मतलब यू नो लाइक जो वाइड एंगल व्यू में हम लोग एकदम वाइड व्यू दिख के आता है तो वैसा व्यू जो है वो हम लोग को दिख के नहीं आता है, एकदम जो फोटोग्राफ रहता है वो पूरा फ्लैट रहता है, बहुत ही मस्त दिखता है। और जब आप पोर्ट्रेट भी लेते हो, आप ऐसा कुछ पोर्ट्रेट लेना चाहते हो जिसमें आप जो पर्सन है उसको लैंडस्केप में इंक्लूड करना चाहते हो, तो उस टाइम पर भी बहुत ही अच्छे से जो बैकग्राउंड है उसको क्लोज ला सकते हो। जैसे कि ये जो पोर्ट्रेट है जो मेरा है 75-300 mm पे कैप्चर किया हूँ और आप देख सकते हो लाइक कितना मस्त बैकग्राउंड ब्लर मिला है, प्लस वो जो वाटरफॉल है वो इतना दूर होके भी मैं उसको मेरे बैकग्राउंड में इतना क्लोज बता पा रहा हूँ। सो दैट इज हाउ यू कैन यू नो यूज द 75-300 mm। बहुत ही ज्यादा मस्त फोटोग्राफ्स मुझे ऐसा लगता है कि लाइक 75-300 mm या फिर कोई भी आप टेलीफोटो लेंस यूज करो तो मिल सकते हैं आपको, क्योंकि जो लाइक आप देखते हो अपने आई से उससे ज्यादा आप देख पाते हो यू नो जब आप लेंस यूज करते हो तो। और पोर्ट्रेट के साथ साथ आप इसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हो। आपको फ्लेमिंगो शूट करना हो, बर्ड शूट करना हो, मंकी शूट करना हो, आप इजीली एकदम शूट कर सकते हो। ये जो लेंस है वो अच्छा खासा रिजल्ट्स भी दे देते हैं। सो गाइस, दोस आर द रीजंस व्हिच इज व्हाई आई रिकमेंड दैट एवरी फोटोग्राफर शुड हैव अ जूम लेंस, वेदर इट इज अ 55-250 या फिर 75-300 mm, कोई भी जूम लेंस। बट एक अगर जूम लेंस हो तो फिर वो जो फोटो अपॉर्चुनिटीज रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक सब्जेक्ट के आप थोड़ा क्लोज जा सकते हो उसके वजह से। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, आई विल बी मेकिंग मोर videos like this, and peace out.